आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की प्रोटेक्शन मेथड्स, और प्रोटेक्शन मेथड्स से हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी सीट के ऊपर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन चेंज ना कर सके, मतलब कि मैं इसको कोई डिलीट ना कर सकूं, ऐसा चाहता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीट के ऊपर जाएंगे या फिर आप रिव्यू में अंदर भी जा सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट, या सीट के ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल दीजिए, फिर एंटर दबाइए या ओके कीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। अब यहाँ पासवर्ड कंफर्म करने से पहले एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इफ लॉस्ट एंड फॉरगेट योर पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब कि पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आप इसे किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर सकते सर, ठीक है। हालांकि ऐसे पासवर्ड क्रैक करने वाले बहुत सारे क्रैकर हैं, लेकिन वो 100% आपकी फाइल को क्रैक करेंगे इसकी गारंटी नहीं है सर। कंफर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। अब मैं सीट पे किसी भी तरह नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मुझे एक अलर्ट देगा, लेकिन मैं डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूं, सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको कॉपी ना करूं, कोई इसको कॉपी भी ना कर सके, मैं चाहता हूं कि इसको कोई पर्सन कॉपी भी ना कर सके। तो एक्सेल में कॉपी को डिसेबल करना मुश्किल है, क्योंकि कॉपी को डिसेबल करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन कॉपी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, सिलेक्शन। हम सिलेक्शन अगर ना कोई अगर ऐसा कुछ करेंगे, सिलेक्शन ना कोई कर पाए तो कॉपी होगी नहीं क्या? यस सर। तो हम क्या करेंगे, हेलो ऊपर से क्लास ले, हम सबसे ऊपर हैं, क्लास ले रहे हैं। तो यहां पे हम यहां से अनप्रोटेक्ट करेंगे, और अनप्रोटेक्ट करते समय यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं पहले, और फिर देखिए जब हम पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चेकबॉक्स हैं, तो जिस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे वो पासवर्ड के बाद वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये आपका फॉर्मेट से अनचेक है, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद भी मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, फिर पासवर्ड डालने के बाद फॉर्मेट नहीं कर सकता क्योंकि इस पर अनचेक है, लेकिन मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद भी मैं डेटा में चेंजिंग तो नहीं कर सकता, बट हम इस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड डालते समय ये अलाउ कर दिया था। तो ऐसे ही आप पासवर्ड डालते समय क्या अलाउ कर, तो डिफॉल्ट जो अलाउ होता है वो होता है आपका सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक्ड अनलॉक क्या होता है वो बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इतना पता है कि अभी हम सेल को सिलेक्ट करने का परमिशन है, तो इस परमिशन को यहां से डिसेबल कर देते हैं, और उसके बाद यहां पे पासवर्ड डाल के ओके करेंगे। तो यहां पे देखिए मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूं, अब कहीं पे क्लिक नहीं होगा तो कॉपी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो हमने यहां पे कॉपी को डिसेबल कर दिया। सुनील शर्मा जी, समझ में आया, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा यहां पर है कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना चाहता हूं, जो एरिया है इसको मैं प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहता हूं, तो कैसे करें? तो अभी आपने देखा कि जब हम प्रोटेक्ट शीट पे कर रहे थे लॉक अनलॉक सेल होता है, और साथ में ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। तो चलिए जानते हैं कि लॉक सेल और अनलॉक सेल होता क्या है। तो किसी भी सेल के अंदर आप जब परफॉर्मेंस सेल में जाते हैं, प्रोटेक्शन में जाते हैं, तो लॉक पे क्लिक है, तो जिस सेल के ऊपर लॉक पे क्लिक है तो सेल की उस सेल की प्रॉपर्टी लॉक्ड है, समझे? तो जिस सेल की प्रॉपर्टी लॉक्ड है वो मतलब कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस सेल को राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और अनलॉक्ड कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एरिया अनलॉक्ड है, मतलब कि जब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा तो पासवर्ड उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ क्योंकि तो बताया ना पासवर्ड रिकवर नहीं होता, मैं पासवर्ड हमेशा भूल जाता हूँ इसलिए मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, बट आप लोग पासवर्ड डालिएगा। ओके अब देखिए मैं कहीं और लेकिन मैं इस एरिया में मैं टाइप कर पा रहा हूँ। शर्मा जी को डाउट इसमें? नहीं सर। तीसरा आता है कि चलिए मैं उल्टा करना चाहता हूँ सर, मेरा एक डाउट है, शीट को ही कॉपी कर सकते हैं ना सर, दूसरा फाइल में ऐसा? हाँ शीट को कॉपी कर सकते हैं लेकिन उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। हाँ सर तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब चौथा एग्जांपल हमारे पास है कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन में रखना चाहता हूँ, बाकी एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहता हूँ। इस बिल्कुल एग्जाम्पल थ्री के उल्टा, एग्जाम्पल थ्री में क्या था कि बाकी सारे सीट प्रोटेक्ट थे, अनप्रोटेक्ट था। मैं कहना चाहता हूँ जो कलर एरिया है वो हमारा प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया अनप्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिफॉल्ट हर एक सेल फॉर्मेट से जाके देखिए वो हमारा लॉक्ड होता है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसको अनलॉक्ड कर देता हूं। इस अनलॉक्ड करने पे क्या हुआ, पूरा एरिया हमारा अनलॉक्ड हो गया सर। यस सर। अब मैं इसके अंदर जो एरिया है इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल में जाता हूं, इस पे वापस मैं लॉक लगा देता हूं। तो क्या हुआ कि ये एरिया हमारा लॉक्ड है, बाकी एरिया अनलॉक्ड है। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो क्या होगा कि इस पे मैं टाइप कर सकता हूं बट इस कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि इन सब चीजों का हमारा बेनिफिट क्या है, तो चलिए एक बेनिफिटेबल एग्जांपल आपको हम बताते हैं इसका। तो यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास नेम है, यहां पे रोल नंबर है और मार्क्स है, क्वांटिटी ले लेता हूं, क्वांटिटी है, एमआरपी है और कमीशन है, कमीशन है, जीएसटी है, टोटल है, अमाउंट है और फिर यहां पे डेट एंड टाइम। तो अगर मैं अमाउंट करूं तो हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी होता है। कमीशन अमाउंट का 2% है और हमारा जीएसटी जो है वो अमाउंट का 18% है और फिर टोटल इन सबों का सम है, इन सबों का सम है। यहां पे हमारा डेट है और यहां पे हमारा। अब क्या होता है कि मैं जब टाइप करता हूँ डेटा एंट्री जब हम करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, क्वांटिटी मान लीजिए हमने दे दिया 25, एमआरपी दे दिया 36, तो ये बाकी अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। फिर मुझे चार कॉलम आगे या चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके पास डेटा एंट्री करते समय हो सकते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेटिव फील्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 कॉलम है तो 100 में समझिए 75 ऑटोमेटिक है, 25 कॉलम में आपको टाइप करना है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है सर कि आपको 100 कॉलम का हैंडल करना पड़ता है। यहां हम चाहते हैं कि मेरा कर्सर इस पे जाए ही ना, डायरेक्ट मेरा एमआरपी से जंप होके डेट पे आए और डेट से जंप होके वापस एमआरपी पे जाए। तो पूरे सीट को सेलेक्ट करते हैं, लॉक को हटा देते हैं और फिर वापस जिस कॉलम में फॉर्मूला है उस पे लॉक लगा देते हैं। और जब पासवर्ड डालते समय हम क्या करेंगे, इस सिलेक्ट अनलॉक्ड यहां पे सिलेक्ट जो है लॉक्ड है उसको हटा देंगे, सिलेक्ट अनलॉक्ड रहेंगे। मतलब कि ए बी सी डी
और एच आई जो है हमारा अनलॉक्ड है, मतलब कि इसके अलावा सारा अनलॉक्ड है, मतलब आपका डी ई एफ जी के अलावा सारा अनलॉक्ड है। ओके अब यहां पे देखिए क्या होता है, नीरज जैसे मैं यहां पे देखिए टैब मारूंगा तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहां डेट पे आएगा। आ गया टाइम बचा ना सर? सुनील शर्मा जी समझ में आया आपको? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां भी कि मुझे एक ही सीट के ऊपर कई सारे पासवर्ड चाहिए, मतलब कि मेरे पास दो अलग अलग एरिया है, मान लीजिए एक ही दो पर्सन काम करते हैं, एक एरिया में हमारा मिस्टर ए काम करता है और दूसरे एरिया में हमारा मिस्टर बी काम करता है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटा को ना छेड़ सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटा को ना छेड़ सके, मतलब कि दोनों को हम अलग अलग पासवर्ड देना चाहते हैं। उसके लिए हम जाएंगे कहाँ, रिव्यू में, अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज, और फिर न्यू पे जाएंगे और हम अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। और वापस आते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं एंड तो वापस न्यू पे आते हैं और इसको देते हैं। इस बार इसमें पासवर्ड डालेंगे लेकिन इसमें दूसरा पासवर्ड डालेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें आप अपना दूसरा पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड कंफर्म कीजिए, ओके कीजिए, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब इसमें मैं पासवर्ड डालता हूं प्रोटेक्ट शीट और इसको पासवर्ड डाल देता हूं। अभी मैं इसके बाहर कहीं, ठीक है, बट इस पे हम जैसे इस पे काम करने के लिए जाएंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा, पूछे ना सर? अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा तो मुझे इस पे काम करने देगा, बट इस पे काम वापस मुझसे पासवर्ड पूछेगा। ये हमारा एक सीट में मल्टीपल पासवर्ड हम डालते हैं। वापस जाते हैं इसमें, अब बात करते हैं किसी भी पूछा कि सीट को तो डिलीट किया जा सकता है, जी नहीं, यहां पे हमारे पास एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो अब मैं किसी भी सीट के ऊपर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ओके, क्लियर सर? यस सर, क्लियर सर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे पासवर्ड तो नहीं डाल सकते, देखिए फाइल ओपन तो हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि मेरा फाइल कोई ओपन भी ना कर सके। क्या मेरा फाइल कोई ओपन भी नहीं कर सके सर? अच्छा, तो उसके लिए आप अगर फाइल आपका बिल्कुल नया है तो यहां आप सेव एज करें, और सेव एज करते समय जहां फाइल नंबर और फाइल टाइप वगैरह देते हैं ना सर, वहीं पे आपके यहां पे टूल्स दिखेगा। तो टूल्स में हमारा जनरल ऑप्शन है, इसमें जाके पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई करें। क्लियर सर? ओके सर, ओके, देखिएगा तो चाहते हैं कि अगर मान लीजिए फाइल मेरे लिए बिल्कुल नया है, मतलब कि ये फाइल पुराना फाइल नहीं, पुराना फाइल है नया फाइल नहीं है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं कि यहाँ इन्फो के ऊपर जाएगा तो यहाँ आपको दिखेगा
एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ठीक है, हेलो ओके सर।